उत्तराखंड में घोटाले होना जैसे अब आम सी बात हो गई है। आए दिन घोटाले सामने आते रहते हैं। एक तरफ जहां आपने देखा कि लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर के ही कर्मचारियों पर सवाल उठे थे, पेपर लीक हुए थे, वहीं कई और विश्वविद्यालयों में भी गड़बड़ियों की खबरें सामने आई थी। अब एक और उत्तराखंड के विश्वविद्यालय से करोड़ों के घोटाले की खबर सामने आई है। इसमें मुकदमा भी अब दर्ज हो गया है। अभी मामला क्या कुछ है, इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या क्या गड़बड़ झाला किया गया है और क्या क्या आरोप अब तक साबित हो चुके हैं, आइए बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल देहरादून के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में साल 2017 से 2022 तक कई गड़बड़ियां हुई, जिसमें पिछले साल मई 2022 को जांच के आदेश शासन ने विजिलेंस को दे दिए थे, जिसके बाद विजिलेंस ने शुरुआती जांच की और कई आरोप साबित भी हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट विजिलेंस ने शासन को सौंप दी है। जिसके बाद इस मामले में आरोप जिन जिन पर लगे हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर विजिलेंस शासन से एक लिखित अनुमति का इंतजार कर रहा था, जो कि अब मिल चुकी है और मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि विश्वविद्यालय में क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं और कौन कौन से आरोप साबित हो चुके हैं। विश्वविद्यालय में हो रहे निर्माण कार्यों में धांधली और वित्तीय अनियमितता, आरक्षण के नियमों के साथ छेड़खानी कर रोस्टर और पदों की संख्या में बदलाव करना, भर्ती पोर्टल पर रिक्तियों की सूचना और आरक्षित रोस्टर पंजिका को अपलोड करना अनिवार्य होने के उपरांत भी विश्वविद्यालय के द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाया जाना, जिससे कि भ्रष्टाचार का पता न चल सके। इसके अलावा पीआरडी उपनल के कर्मचारियों के नियम विरुद्ध भर्ती करना, नर्सों की भर्ती में अनियमितता पाए जाना, नीट 2018 की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरिष्ठता सूची के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश न देकर बिना काउंसलिंग के 467 छात्रों का निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश दिया जाना, उप चिकित्सा लेखाधिकारी कुलपति के नियम विरुद्ध नियुक्ति करना, एससी एसटी ओबीसी कोटे की भर्ती में धांधली, विश्वविद्यालय के द्वारा निजी मेडिकल कॉलेजों को अधिक लाभ देते हुए संबद्धता शुल्क और 58,30,000 की प्रक्रिया शुल्क की राशि नहीं जमा कराया जाना, 298.30 लाख रुपए और 386.50 लाख की प्रतिभूति राशि नहीं जमा कराए जाने के कारण इतनी धनराशि पर ब्याज के अर्जन नहीं होने से संस्थान की हानि होना। अभी आरोप साबित जांच में सिद्ध हो चुके हैं और सिवाय उप चिकित्सा अधीक्षक, लेखाधिकारी और कुलपति के नियम विरुद्ध नियुक्ति के आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो सके हैं। वहीं अगर हम कुल घोटाले की यहां पर बात करते हैं तो कुल 856.68 लाख और प्लस इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यों, जिसमें नवीन कक्षाएं, स्मार्ट क्लासरूम, ओटी रूम आदि पर व्यय धनराशि, जिसका अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है। वहीं विजिलेंस ने फिलहाल अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले पर और जानकारी के लिए हमने इस मामले में जांच कर रहे विजिलेंस के डायरेक्टर अमित सिन्हा से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। ये जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का जो जांच चल रही थी, हम लोगों ने जांच में कुछ तथ्य आए थे जिसपे कि हम लोगों को उसमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगनी पड़ी, तो उसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल गई, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यद्यपि इसमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, हमने अभी इसमें अज्ञात में किया है, लेकिन उसमें जिन लोगों के विरुद्ध है उसमें एक फिनांस कंट्रोलर भी है और कई अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध हम इसमें कार्रवाई करने वाले हैं और जल्दी ही इसमें जांच करके हम कोई ना कुछ तथ्य तक सामने। तो इस विश्वविद्यालय में इतना गड़बड़ झाला हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है, उसे विजिलेंस जल्द सामने लेकर आएगा। अब देखना ये होगा कि इस घोटाले में किन किन के नाम सामने आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।